नमस्कार, स्वागत है आज की सुबह में और मैं शेषराज वर्सेटाइल नॉलेज के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। और हम हमेशा आपके सामने हर दिन का वीडियो लेकर आते हैं और आज भी लेके आए हैं, तो जानते हैं आज के दिन घटित घटनाएं। तो आज ही के दिन 1616 में फ्रांस में गृहयुद्ध समाप्त हुआ था। आज ही के दिन 1765 में फिलाडेल्फिया में यूएस का पहला मेडिकल कॉलेज खुला था। आज के दिन 1837 में एथेंस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आज के दिन 1913 में पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित हुई थी। आज के दिन 1919 में न्यूयॉर्क और अटलांटिक सिटी के बीच में उड़ान सेवा शुरू हुई थी। आज के दिन 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज के दिन 1969 में तीसरे राष्ट्रपति भारत के जाकिर हुसैन का निधन हुआ था। और आज के दिन 1981 में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस दत्त का निधन हुआ था आज के दिन। और ये थी आज की घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं। और आइए अब जानते हैं अन्य घटनाओं के बारे में जो आज के दिन यानी 3 मई को घटित हुई। तो आज के दिन 1919 में अमानुल्ला खान द्वारा ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया गया। आज के दिन 1998 में यूरो को यूरोपीय मुद्रा के रूप में स्वीकार करने का यूरोपीय नेताओं का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। आज के दिन अमेरिकी मीडिया ने परवेज मुशर्रफ के जनमत संग्रह को शर्मनाक जनमत संग्रह बताया 2002 में। और आज के दिन 2003 में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे 2003 में। और आज के दिन 2004 में वेस्ट इंडीज ने छठे एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से परास्त किया था। और आज के दिन 2008 में टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस प्राप्त हुआ था। और आज के दिन 2016 में 63वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, जिसमें मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत सम्मानित हुए थे। और आज के दिन मरियम मिर्जा खानी 1977 में इनका जन्म हुआ था, जो गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ थी। आज के दिन वीके कृष्णन मेनन, भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, 1896 में इनका जन्म हुआ था। सुमित्रा सिंह, राजस्थान की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ, 1930 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन। आज के दिन उमा भारती, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, 1955 में इनका जन्म हुआ था। और आज के दिन रघुवर दास, झारखंड के 6वें मुख्यमंत्री, इनका 1955 में आज के दिन जन्म हुआ था। और आज के दिन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और राहुल गांधी के खास माने जाने वाले अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके, उनका आज के दिन जन्म हुआ था 1951 में, जिन्होंने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, ये जो नारा उनका फेमस था अशोक गहलोत का। और गुजरात में अभी चुनाव में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। और आज के दिन आइए जानते हैं जिनका निधन हुआ। तो आज के दिन 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमने बात की, उनका निधन हुआ। नरगिस और जगजीत सिंह अरोड़ा, भारतीय सेना के कमांडर, 2005 में इनका निधन हुआ था। और 2006 में प्रमोद महाजन, भारत के राजनीतिज्ञ, जन्म उनका 1949 में हुआ था, उनका आज के दिन निधन हुआ था। और आइए जानते हैं अब आज के दिन महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव। तो 3 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। और प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। प्रेस की आज़ादी से यह बात साबित होती है कि उस देश में अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक जरूरत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अपनी दुनिया से बाहर निकलकर आसपास घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी जानने का अधिक वक्त हमारे पास नहीं होता। ऐसे में प्रेस और मीडिया हमारे लिए एक खबर वाहक का काम करती हैं, जो हर सवेरे हमारे टेबल पर गर्मा गर्म खबरें परोसती है। यही खबरें हमें दुनिया से जोड़े रखती हैं। और आज प्रेस दुनिया में खबरें पहुँचाने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। और आज के दिन स्वतंत्रता दिवस इसका मनाया जाता है, प्रेस का। और थैंक यू सो मच, कल हम आपके सामने 4 मई को फिर मिलेंगे 4 मई का इतिहास लेकर के। तब तक दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, अपडेट रहिए, शुक्रिया।